हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात। फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है डीसी टू एसी, मतलब एक छोटा मोटा इन्वर्टर। चलिए देखते हैं आज का प्रोसेस। सबसे पहले हम एक मोबाइल का चार्जर लेंगे। देखिए, ये एक ऑर्डिनरी मोबाइल का चार्जर है और इसके अंदर जो सर्किट है वो ये वाला सर्किट है। और सर्किट के अंदर ये जो छोटा एक ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं छोटा एक ट्रांसफार्मर, उसी से हम इन्वर्टर बनाएंगे। देखिए, यही है छोटा वाला ट्रांसफार्मर। आपने दूसरे वीडियो में देखा होगा इन्वर्टर बनाते समय बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, मगर आज हम एक सिंपल सा ट्रांजिस्टर से इन्वर्टर बनाएंगे। इस ट्रांजिस्टर का डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। देखिए, ट्रांजिस्टर का तीन वायर है, 1, 2, 3। पहला कलेक्टर, दूसरा बेस, तीसरा एमिटर। अब हम ट्रांसफार्मर के सारे पिनों का रेजिस्टेंस नापेंगे। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसे हम आउटपुट के लिए यूज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम ये दोनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस नापेंगे। देखिए, इसका रेजिस्टेंस है 001। अब सामने के दो टर्मिनल के रेजिस्टेंस नापेंगे। देखिए, इसका भी 001 है रेजिस्टेंस। अब हम अगले दो टर्मिनल के रेजिस्टेंस को नापेंगे। देखिए, इसका रेजिस्टेंस 007 है, मतलब इसे हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस ट्रांसफार्मर से ये ट्रांजिस्टर का सोल्डरिंग करेंगे। देखिए, ये ट्रांजिस्टर के मिडिल वाले यानी बेस हिस्से से ये ट्रांसफार्मर का ये वाला हिस्सा कनेक्ट करेंगे। देखिए, हमने शोल्डरिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर के ये दोनों हिस्से को शॉर्ट कर दीजिए, मतलब कनेक्ट कर दीजिए एक वायर से। देखिए, हमने शॉर्ट कर दिया है, हम ऐसे करेंगे शॉर्ट।
अब हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वायर से ट्रांसफार्मर के ये वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। कलेक्टर वायर से ट्रांसफार्मर के वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है। अब सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम बैटरी का कनेक्टर लगाएंगे। देखिए ब्लैक वाला एमिटर पर कनेक्ट होगा। और रेड वाला हम इस हिस्से से कनेक्ट करेंगे। देखिए हमारा सर्किट लगभग तैयार हो गया है। अब बस आउटपुट लगाना बाकी है। आउटपुट लगा लेंगे तो हो जाएगा। देखिए हमारा सर्किट पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम इस इन्वर्टर को टेस्ट करेंगे। अब हम एक 9 वोल्ट की बैटरी से इस बल्ब को जलाएंगे। देखिए लाइट जल रहा है। इसका मतलब हमारा इन्वर्टर सर्किट अच्छी तरह से काम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं कि ये जो इन्वर्टर है इस पे आप ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। नेक्स्ट टाइम एक इन्वर्टर का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोड डाल सकते हैं। मगर ये एक छोटा सर्किट है ना, इसलिए आप इसमें ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी है। और अगर हमारे वीडियो खराब आ रहा हो, मतलब मुझसे कोई गलती हो रही हो, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमें प्रेरणा देगी और हमारी गलती को सुधारने में मदद करेगी, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे लिए इतना सा कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं चलता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।